दोस्तों इंसान के जीवन में सुख दुख तो लगा ही होता है। ऐसे टाइम में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी अपने को खोने के बाद बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे टाइम पे ऐसे लोगों की जो सबसे अधिक जो मदद जो जिस इंसान ने की है दोस्तों वो है संदीप महेश्वरी। ना जाने कितने लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया है, कितने लोग उनसे इंस्पायर हुए हैं और उनकी तरह बनना चाहे हैं। उनके दोस्तों YouTube चैनल पे 20 मिलियन सब्सक्राइबर सिर्फ उनकी मोटिवेशनल स्पीच को सुनने के लिए नहीं बल्कि उनके लाइफ को, उनके लाइफ स्टाइल को फॉलो करने के लिए, उनके लाइफ के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए इकट्ठी हुई थी। लेकिन दोस्तों दुख की बात, अब संदीप महेश्वरी YouTube को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हैं। अब इसके पीछे की क्या है पूरी सच्चाई, क्या है वो रीजन जिसकी वजह से दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेटर 20 लाख सब्सक्राइबर के साथ दोस्तों 20 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ दोस्तों संदीप महेश्वरी चैनल अब बंद होने जा रहा है। क्या है इसके पीछे की रीजन, क्या है आखिर उस ओपन लेटर में जो आप अभी तक सुनते आ रहे हो, ओपन लेटर की कंट्रोवर्सी क्या है आखिर उस ओपन लेटर में। दोस्तों आपको जैसा कि याद होगा कि कुछ दिन पहले YouTube ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी को चेंज किया था इसी 1 जून से दोस्तों, जो ये 1 जून दोस्तों 2021 की बात कर रहा हूं मैं, अपने मोनेटाइजेशन पॉलिसी को चेंज किया था जिसमें ये साफ साफ बताया था कि YouTube प्रोग्राम से जितने लोग भी कनेक्टेड हैं वो अब वो मोनेटाइज चैनल हो या फिर नॉन मोनेटाइज चैनल हो, मोनेटाइज चैनल हो उनके पे तो जो एड्स आते हैं वो तो पैसा कमाते ही कमाते हैं, जो नॉन मोनेटाइज चैनल है उस पे भी अब YouTube क्या करेगा, YouTube का एल्गोरिथम उस पे भी एड्स को रन करेगा और उससे आने वाली जितनी भी प्रॉफिट होगी वो 100% प्रॉफिट YouTube खुद रखेगा, वो उस क्रिएटर को नहीं देगा जब तक वो चैनल नॉन मोनेटाइज है। अब ऐसे में दोस्तों संदीप महेश्वरी जी का एक ऐसा चैनल था जो प्रॉफिट से रिलेटेड था ही नहीं, वो सिर्फ मोटिवेट करते थे और उस बात का पैसा YouTube से नहीं लेते थे। इसका मतलब आप आसान भाषा में कह सकते हो कि संदीप महेश्वरी की वीडियो पे जितने भी एड हैं, जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं वो नहीं चलते थे। उनका कहना था कि कोई भी इंसान अगर कोई इंपॉर्टेंट बात को सुन रहा है, किसी इंपॉर्टेंट स्टोरी को सुन रहा है, उनकी किसी भी एक इंपॉर्टेंट स्पीच को सुन रहा है, सेमिनार को सुन रहा है, उसके बीच में अगर एडवर्टाइजमेंट आ गया तो उसमें रुकावट आएगी, उस पूरे प्रोसेस में रुकावट आएगी, जो इंसान का जो नर्वस सिस्टम है वहां तक वो सारी बातें नहीं डिलीवर हो पाएंगी जो वो डिलीवर करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों उन्होंने YouTube प्रोग्राम से तो कनेक्टेड थे बट मोनेटाइजेशन को ऑन नहीं कराया था अपने चैनल पे। अब इसके पीछे बहुत सारी रीजंस थे दोस्तों, क्योंकि उनको खुद में एड पसंद नहीं था कि एड्स आए उनके प्लेटफॉर्म पे, उनके चैनल पे, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। तो YouTube की जो अब नई पॉलिसी है कि नॉन मोनेटाइज चैनल पे भी एड्स आएगा उसका 100% प्रॉफिट YouTube खुद रखेगा, इस बात से एतराज था संदीप महेश्वरी को। उन्होंने लिखा एक ओपन लेटर YouTube को जहां ये उन्होंने कहा कि देखो भाई मुझे पैसे की लालच नहीं है, पैसा तुम ऐड चला रहे हो पूरा रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है जो एड्स मेरे चैनल पे आने वाले हैं उससे मुझे दिक्कत है, क्योंकि जो भी स्पीच जो भी डिलीवरी मैं करूंगा उसमें जो ब्रेक एक आएगा जहां पे एड्स आएगा तो मेरा दिमाग पूरा पूरा हर जाएगा कि आखिर जो एक बंदा समझ रहा है उसका नर्वस सिस्टम पूरा काम करता रहता है, वो समझता रहता है उस बात को इंप्लीमेंट करता है, समझने के बाद अगर बीच में ब्रेक एडवर्टाइजमेंट आ गया तो एक ब्रेक हो जाएगा हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। ऐसे में संदीप महेश्वरी को उस बात से एतराज था, उन्होंने ओपन लेटर लिखा YouTube को। लेकिन दोस्तों पॉलिसी तो पॉलिसी होती है और सबको, छोटा हो क्रिएटर या बड़ा हो क्रिएटर, पॉलिसी अगर बन गई तो सबको फॉलो करनी पड़ती है। ऐसे में YouTube का ये मोनेटाइजेशन पॉलिसी सिर्फ एक संदीप महेश्वरी जी के लिए चेंज तो होगा नहीं, ऐसे में संदीप महेश्वरी जी ने खुद ये कहा कि ये जो वीडियो द एंड वीडियो जो हमारे चैनल पे आने वाला है ये हमारे पूरे कंप्लीट इंटायर चैनल का आखिरी वीडियो होगा, इसके बाद मैं कोई भी वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट करने वाला नहीं हूं। अब ऐसे में दोस्तों फिर यूट्यूब पे उनकी वीडियोस नहीं आएंगे तो आखिर हम अपने मोटिवेटर को तो छोड़ नहीं सकते ना, उनसे लाखों लोग कनेक्टेड हैं, लाखों लोग इंटरनेशनल आइडेंटिटी है उस बंदे की, उसे छोड़ा तो नहीं जा सकता ना। ऐसे में दोस्तों उन्होंने खुद का प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है जो कि है संदीप महेश्वरी टीवी, जिसको आप गूगल पर सर्च करके वहां जा सकते हो, जिसका नाम है www.sandeepmaheshwari.tv।
जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑलरेडी दो वीडियो उनके लाइव हो भी चुके हैं, मैं चेक कर रहा था, वहां पे उनके सारे नए वीडियोस जो वो बनाएंगे वो वहां पे अपलोडेड मिलेंगे। यानी दोस्तों जो YouTube अभी तक जो नए जो अपलोड वो करते थे, नए वीडियो पोस्ट करते थे, अब वो YouTube पे ना आकर के sandeepmahesuri.tv पे जाएगा और वो प्लेटफॉर्म एब्सोल्युटली फ्री रहेगा, कोई भी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल YouTube की तरह होगा। आने वाले टाइम में मे बी ग्रो हो तो YouTube से अच्छा भी हो सकता है, खैर इसकी पॉसिबिलिटी ये कहनी बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि संदीप महेश्वरी ने लिखा है ओपन लेटर YouTube को और ये साफ सीधा शब्दों में कहा है कि अगर आप मेरी वीडियोस पे ऐड दिखाएं तो मुझे YouTube को क्विट करना ही पड़ेगा। वैसे में दोस्तों मुझे जो अपनी राय लगती है वो ये लगती है कि एक संदीप महेश्वरी जी के लिए कि ऐसा YouTube तो करेगा नहीं कि पॉलिसी को चेंज करे, तो छोड़ना ही विकल्प है। और sandeepmahesuri.tv उन्होंने बना लिया है ऑलरेडी, तो नो डाउट कि वो वहाँ वीडियो डालेंगे। अगर एक्सेप्ट कर ले पॉलिसी YouTube की तब भी वो वीडियो वहाँ डालेंगे, क्योंकि एक वो नया प्लेटफॉर्म वो उन्होंने बना दिया। अब ऐसे में दोस्तों इसका एक विकल्प क्या हो सकता था, इसका एक समाधान क्या हो सकता था, सॉल्यूशन क्या हो सकता था? दोस्तों सॉल्यूशन इसका ये हो सकता था कि जैसे क्रिएटर्स को नहीं दी जाती है फैसिलिटी, सिर्फ विजिटर्स को दी जाती है कि आप ज्वाइन कर लें किसी चैनल को, ज्वाइन कर लें, तो ऐसे में क्या होता है कि यूट्यूब के जो ज्वाइन हम करते हैं किसी भी यूट्यूब को चैनल को ज्वाइन करते हैं तो कुछ पैसा लेते हैं, और जब पैसा वो ले लेते हैं तो उस पर्टिकुलर बंदे को एड्स नहीं दिखाया जाता। ऐसा हो सकता था कि ये फैसिलिटी क्रिएटर्स के साथ भी होनी चाहिए कि क्रिएटर्स उल्टा पैसा दें यूट्यूब को कि भाई हमारे वीडियो पे तुम ऐड ना चलाओ, ये एक पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है। लेकिन अब तो पूरा प्लेटफॉर्म ही बदल डाला है संदीप महेश्वरी जी ने, एक अपना ही एक प्लेटफॉर्म बना डाला है। ऐसे में जितने भी वीडियोज अब संदीप महेश्वरी जी के होंगे वो sandeepmahesuri.tv पे आएंगे, जहां पे ऑलरेडी दो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो आई होप दोस्तों कैसा लगा आपको ये पूरा खुलासा कि क्या आखिर ओपन लेटर में लिखा था, क्या थी सच्चाई इस पूरे ओपन लेटर की जिसपे लेकर के इतने यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे हैं और शायद क्लियर बात किसी ने नहीं की, घुमा फिरा के सब बात कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सुनकर के ये पूरी सच्चाई कि ये था ओपन लेटर में और इस वजह से संदीप महेश्वरी क्विट करके एक अपना अलग प्लेटफॉर्म बिल्डअप कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कर लिए हैं, जहाँ पे वो वीडियोस को अब डालेंगे। तो दोस्तों फटाफट से कर दो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर दोस्तों के साथ, ताकि आपको दोस्तों को भी पता चले ये सच्चाई कि अब उन्हें संदीप महेश्वरी की वीडियो को कहां से एक्सेस करना है। और दोस्तों जब तक हमारा अगला वीडियो नहीं आता तब तक हमसे ट्यून्ड रहें, हमसे कनेक्टेड रहें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।